हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आटे के बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम 2 कटोरी यहाँ पे आटा ली हूँ, 1 कटोरी चीनी। अब अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और हम थोड़ी थोड़ी करके पानी डालेंगे इसमें। हम इसमें एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ी थोड़ी पानी करके डालेंगे। हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से मिला लिए हमने। हमारा डो एकदम तैयार है। अब इसे हम 1 या 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हमने इसे 1 मिनट बाद निकाला है। ये देखिए, अब हमें तवे या पैन को गर्म कर लेंगे। उसमें हम थोड़ी सी तेल डालेंगे। तेल डाल के हम इसे अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ। अब इसमें तैयार किए हुए डो को डालेंगे और इसे हल्के हाथों से रोटी साइज में हम फैला लेंगे। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे किनारे किनारे से निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हो चुकी है अच्छे से। अब इसे हम पलट लेते हैं। हमें इसे ध्यान रखना है, हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए, ये देखने में कितना टेस्टी दिख रहा है। आप इसे घर पे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एकदम ये सॉफ्ट बनती है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये अच्छी तरह से हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।